अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब के सब लोग? चल, मैं अचानक व्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई जान, तो फिर एक इंसान, एक ताबेदार इंसान कह रहे कि आप सेकंड एपिसोड देने चाहिए, लेकिन सेकंड एपिसोड नहीं आएगी यार, क्योंकि इसकी वजह से थोड़े बहुत मामलात भी हो चुके थे, सुबह हो चुका था नाराज, और आज तीन दिन के बाद आया मोम। आप हेलो हाय तो कर लिया करें यार, आके आए इधर आए। मोम को ना स्पेशल बुलाना पड़ता है, देखिए आप मोम, आप जो बच्चे कहते हैं ना सिर्फ वैसे कैमरे पे कहती है। अच्छा बस कैमरे, मैंने आपको क्या कैमरे पे सिर्फ आप हेलो हाय करती है, आप दिल से नहीं करती? दिल से ही करती हूँ, अपने बच्चों को दिल से ही मिलती हूँ। देख रहे हैं, सदा खुश रहो। मोम तो आती है बस आपको दुआएं देने के लिए, दुआ देके ना मोम ना, मेरी दुआएं सबको लगती है ना, क्या करूं, मेरे बच्चे को भी दुआएं लगी है। जी, इंशाल्लाह 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 मोम, मेरे सुभान को भी अल्लाह में रंग लगाए, सही पैसा होगा सुभान भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको। तो भाई सुभान साहब, सुभान आप इधर देखें, हेलो हाय कर दें। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा यार। भाई ये हुआ, मैं नाराज, मैंने इसकी इरिटेटिंग वाली जो किया ना व्लॉग डाली, इसने मुझे काफी मना करता रहा। दो तीन शॉर्ट्स थे जो इसने मुझे मना किया कि आपने वो शॉर्ट्स नहीं डालने, मैं अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कहा यार रियल चीज दिखानी है, मैं फेक कैसे दिखा सकता हूँ। इसी की तरह हम आज के ही व्लॉग में मॉम के साथ करने लगे हैं प्रैंक। अभी मजा आएगा कि अयान को लग गया करंट और मोम का रिएक्शन देखते खतरनाक प्रैंक है, लेकिन देखते होता क्या है। अभी नहीं करेंगे, रात को करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा दिन बने रहेगा, फिर प्रैंक जैसे भी ऐड करेंगे तो ऐड कर देंगे। अयान आर यू रेडी? यस। सो भाई लोग, बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग ये है कि आज हम लोग करने लगे हैं मोम के साथ छोटा मोटा सा प्रैंक। छोटा मोटा सा तो नहीं कह सकते, क्योंकि यार ये प्रैंक होने वाला है बहुत खतरनाक। अयान को मैं करंट लगेगा, ऐसे लगेगा कि मोम को रिएक्शन दिखाएंगे और बड़ा मजे का होने वाला है। आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और ब्लॉग को देखते रहिएगा, और अगर आपको प्रैंक्स वाले ब्लॉग चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। लेकिन यार मुझे अच्छा लग रहा है कि मोम के पता नहीं क्या रिएक्शन होंगे और रेयर रिएक्शन होंगे वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो ब्लॉग के साथ आप लोग फिर बने रहिएगा। तो आखिर यार हम लोग KFC पहुंच चुके हैं। सुभान कैसा लगा? बहुत मजेदार। कैसा? ओए ओए भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के साथ, और कितनी आप लोगों ने देखे, कितनी धुंध थी, इतनी सी आपको तो पता नहीं, आप सब मुझे बाइक चला रहे थे। हाँ, और ये भाई हैं, यहाँ बच्चे पकड़ लिए इन्होंने, उनके फोन से अपना अकाउंट जो है ना यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दो मिनट भाई, यहाँ ये दिखा दो, हम वीडियो बनाते हैं। तो हम वीडियो बनाते हैं, तो मैंने बोल दिया मेरा चैनल लेके, चलो भाई को भी व्लॉग में ले लेते हैं यार। हां तो क्या हो गया भाई को, ये भाई हैं, ठीक है। और ये KFC खाना खाने आए थे, और यहाँ पर ये सारे यूं तीनों मिलके कर दो यार। ओके, तो भाई लोग हमारा ऑर्डर आ चुका है। सुभान जी क्या बर्गर स्लिप? अच्छा एक मिनट ये ले। सुभान आज फिर तूने क्रंच बर्गर ऑर्डर कराया है? ओ हेलो, खिलाया तो मैंने है ना, है खिलाया तो मैंने है ना, खिलाया क्या क्रंच, इसने क्या खिलाया, क्रंच बर्गर खिलाया, जिंगर तो खिलाता, क्रंच बर्गर साथ पीस भी तो है, कोल्ड ड्रिंक भी तो है, आप कुछ चुपचाप खाते हैं पहले के। सुभान शुक्रिया बहुत, क्यों गए ये हमारा तो नहीं है, नहीं यार भाई भूल के हमारा ऑर्डर हमें दे गए, वो ऑर्डर हमें दे गए हैं। एक्सक्यूज मी भैया, ये तो हमारा नहीं है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है। खाना चाह रहा था, मैं नहीं खा रहा, नहीं ऐसी बुरी बात है, बुरी बात है, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सुभान थोड़ा हाथ बटा दे इनका, भाइयों का, भाई का हाथ हाथ बटा दे थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दे उनका। तो भाई हम लोगों ने KFC खा लिया, और अब हमें यहाँ इतनी मतलब ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ में बिल्कुल सुकून से, और बाहर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हाँ जुल्फी, जुल्फी ओ जुल्फी, इग्नोर करता, देखें इसको खिला पिला के इग्नोर कर रहा है भाई, इग्नोर कुछ भी नहीं, मैंने खिलाया इसको, मैंने, इसने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया भाई, इसको शर्म नहीं आ रही कसम से। क्या हुआ? रहने दे सुभान, ये लोग देखे मांगने के लिए गया हुआ, मांगने के लिए मंग पिना इंसान, उनसे कुछ चीज मांगने के लिए गया हुआ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो भाई लोग, मेरा मोबाइल मेरे हाथ में और इसकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, और इस तरह का माहौल अगर देखना चाहते हैं तो भाई फटाफट टिकटें कराए और मुल्तान आ जाए, मुल्तान मरी बना हुआ बस इस टाइम। चलो सुभान चले, कहाँ गया धुंध में मुझे सुभान ही नजर नहीं आ रहा, सुभान कहाँ चला गया?
अरे ये खड़ा है, तू नजर ही नहीं आ रहा था मुझे बे, कहाँ चला गया था। तो बस ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, रवाना होते हैं। ओके यस सर, यस सर। इतनी धुंध में हम आपको नजर आ गए हैं। हाँ भैया, इतनी धुंध में हम आपको नजर आ गए हैं। अच्छा सही सही, चलो ठीक है यार, चलो ठीक है यार। The next morning. We were another morning आ चुकी है, क्योंकि यार आप लोग देख सकते हैं कि सर्दियां हैं और ब्लॉग बनता नहीं है। कल का दिन मैं आके थक चुका था और मैं प्रैंक शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर पाया कि अम्मी वालों का ना, मैंने इसलिए प्रैंक का इसलिए सोचा क्योंकि उनका ना टीवी वगैरह थोड़ा जला हुआ है, तो वो ना तार चेंज करनी थी, तो मोम ना खुद लगी रहती है ना, तो अब मोम नीचे वही कर रही है, तो मैंने सोचा कि आज प्रैंक शूट करता हूँ। कल ऐसे बोलता हूँ उनको कि आप ठीक करो, खुद ब खुद ठीक करते हो, प्रैंक ठीक बनता है। अब नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, आप लोग बने रहिएगा। भाई मोम के साथ प्रैंक बहुत हैवी हो गया हमारा। अच्छा रोए तो नहीं, चले बस कुछ उसको कुछ। A few moments later. मोम वीडियो बन रही थी आपकी, भाई बताए क्या कुछ कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं करना चाहती। कुछ नहीं करना चाहती, कंफ्यूज हो गई हैं। हाँ, तो और क्या? सहकी बोलती है, तो मैंने कहा यार मोम को बता दिया तो ये तो स्क्रिप्टेड प्लान हो जाएगा, तो मोम जिस तरह है अपने एंगल में बैठी है भाई, अब वीडियो बनाने के लिए मोम को पता होता है ना कि वीडियो बन रही है, तो फिर मोम रेडी वेडी हो जाती है, तो हमने मोम को बता नहीं था, तो मोम तो भाई मुझे शुरू हो गई। अब कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह के प्रैंक करना चाहिए आपके साथ? नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। आपने क्या समझाया? बाकी करने लगे बीमार बंदा, अभी कुछ भी नहीं आपको। अभी समझा के क्या कहते हैं, क्या हुआ? मैंने कहा लग गया क्रांत तारे नहीं थी, फिर मोम को उस टाइम मैंने जो लगाया था ना आफ्टर फ्यू मोमेंट, भाई मोम मुझे गुस्सा हो गया, मुझे मैं अब कैमरा यहाँ को दे नहीं सकता था, मोम मुझ पे गुस्सा, मोम रोने लग गई, फिर मोम को संभाला, भाई इसलिए ठीक है, ये छोटा मोटा सा जो छोटा मोटा सा प्रैंक था ना, तो ये तो हमारे साथ हो गया यहाँ पर।